हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आस्था और मैं आपके सामने कुछ ऐसे 7 जानवरों के बारे में बोलने जा रही हूँ जिनके बड़े हॉर्न्स ने उन्हें बाकी जानवरों से एकदम अलग बना दिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 7, हॉर्न काउ। जैसा कि इसका नाम है, आप सबको ऐसा लगता होगा कि आप इसके बारे में जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इनमें एक अनयूजुअल तीसरी हॉर्न भी होती है जो इन्हें बाकी काउ से एकदम अलग बना देती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो या देख रहे हो। अंकोल लॉन्ग हाउंड कैटल की तरह ये 3-हॉर्न्ड काउ भी सांगा ब्रीड का ही कैटल है। ये अंकोल से काफी मेल खाते हैं। इनमें बस एक ही चीज अलग होती है कि इनके सर के बीच में एक तीसरी हॉर्न निकली होती है जो देखने में एकदम यूनिकॉर्न जैसी लगती है। युगांडा में जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ के लोगों का मानना है कि इनको मारने की बजाय इनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही रेयरली दिखाई देते हैं। इनकी हॉर्न्स की लंबाई भी लगभग 2.4 मीटर तक की होती है, लेकिन इनका सरकमफ्रेंस थोड़ा अलग होता है। नंबर 6, अंकोल लॉन्ग हॉर्न्ड कैटल। इनके हॉर्न्स को देखिए, ये डरावने लगते हैं ना। ये सेंट्रल अफ्रीका के सांगा कैटल ब्रीड्स के अंकोल ग्रुप से डिराइव हुआ है। इसको अंकोल वातुसी भी कहा जाता है। ये कई कलर में दिखाई देते हैं, जैसे ब्लैक, ब्राउन, वाइट, रेड और मिक्स कलर्स, जिसमें से रेड कलर वाले ज़्यादा कॉमन हैं। इसके हॉर्न्स बहुत लंबे और वाइड होते हैं। इनके हॉर्न्स की हाइट लगभग 2.4 मीटर तक की होती है। 2004 में सीटी वुडी और स्टीयर लर्च नामक अंकोल वातुसी के नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए गए, जिनके हॉर्न्स का सरकमफ्रेंस 103.5 और 92.5 सेंटीमीटर का था। इनकी लार्ज बॉडी साइज और स्ट्रेंथ की वजह से इन्हें सेंट्रल और नॉर्दर्न अफ्रीका में फार्मिंग के लिए भी यूज किया जाता है। नंबर 5, भारम। इनके फेदर्स पर एक ब्लूइश टिंट होता है। लोगों की उत्सुकता को मिटाने के लिए हमें इंटरनेट पर काफी रिसर्च करना पड़ा और हमने ये पता लगाया कि उनका कलर ब्लू नहीं होता। इनके भी हॉर्न्स काफी अच्छे, लंबे और वाइड होते हैं। मेल और फीमेल के बॉडी साइज में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता क्योंकि एक समय के बाद आप इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, खासकर तब जब मेल के हॉर्न्स ना आए हों और मेल मैच्योर ना हुआ हो। लेकिन जब यह मैच्योर हो जाते हैं तब इनके हॉर्न्स की लेंथ लगभग 1.3 मीटर की होती है। नंबर 4, कैपरा आइबेक्स। इसको अल्पाइन आइबेक्स या बिक्रिटिन भी कहा जाता है। ये वाइल्ड गोट के स्पेशीज है जो कि यूरोपियन माउंटेन्स में देखे जाते हैं। इनका स्किन कोट डल और हेड ब्रॉड होता है जो कि ज़्यादातर ब्राउनिश ग्रे कलर के होते हैं। ये काफ़ी सोशल होते हैं। इनकी एक यूनिक बात ये भी होती है कि मेल और फीमेल आइबेक्स दोनों तभी साथ आते हैं जब उन्हें मेटिंग करनी होती है, वरना नहीं आते। नंबर 3, ब्लैक बग। आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, ये वहीं रहते हैं जहाँ पर काफ़ी वेजिटेशन हो, क्योंकि इनका खाना ही वही होता है। मार्कोस पथरीली जगह को चरने में बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी जानवर जैसे लेपर्ड, वुल्फ के चंगुल से बच पाते हैं। इनकी फुर्ती की वजह से वो वहां से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा बचे रहते हैं। इनके हॉर्न्स 152 से 152.4 सेंटीमीटर तक के होते हैं। नंबर 2, राइनो। इनको ज्यादातर एशिया, पैसिफिक और अफ्रीका में देखा जाता है। अफ्रीकन राइनो सबसे लार्जेस्ट लैंड मैमल्स कहलाते हैं, जिनका वजन 700 से 1000 पाउंड तक होता है। ये वंडरफुल क्रिएचर राइनोसिरोस की फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनकी एक लंबी हॉर्न होती है जो इनके नाक पर होती है, जिसे ये किसी लड़ाई में या फिर अपने आप को डिफेंड करने में इस्तेमाल करते हैं। इनका एक हॉर्न होगा या दो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये किस स्पेशी को बिलोंग करते हैं। नंबर 1, सिमिटर हॉर्न्ड ऑरिक्स। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये विलुप्त हो चुके हैं। इनका शिकार इनके हॉर्न्स की वजह से किया जाता था, जो एकदम स्क्रू ड्राइवर की तरह लगते थे। वेट, मैंने क्या बोला कि ये विलुप्त हो चुके हैं? सॉरी, आप इन्हें अभी भी जू में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आप इन्हें जंगलों में देख पाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी होगी। ये साइज में बाकी जानवरों की तरह लंबे नहीं होते, लेकिन इनके हॉर्न्स का सरकमफ्रेंस 101.6 मीटर तक का होता है। आशा है कि आपको इन जानवरों के बारे में जानकर खुशी हुई होगी। थैंक्स हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर ज़रूर करें। थैंक यू।